तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या करने मालूम है क्या, यहाँ पे हमको मॉडर्न अप्रोच के रूल्स अप्लाई करके कौन से अकाउंट को डेबिट होगा और कौन से अकाउंट को क्रेडिट होगा, ये हमको यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के लगभग 30 लेक्चर्स अपलोड किए, 30। हाँ, तो आई होप आपने हर एक लेक्चर बहुत ही टकाटक वे से देखा होगा और पूरा देखा होगा। मैं आप सभी को वापस रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट भी करूंगा कि मैं आपके अकाउंट्स के हर एक लेक्चर को यहाँ पे बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं, तो प्लीज वो हर एक लेक्चर बहुत ही अच्छे से देखना, आखिरी तक देखना, और हर एक लेक्चर के साथ साथ आपके नोटबुक वगैरह भी मेंटेन करना, जिसकी वजह से आपके 11th अकाउंट्स में आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प होगा। ट्रस्ट में आपको बाकी का कुछ भी करने की जरूरत नहीं गिरेगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, जल्दी से फिर आज के लेक्चर में हम आगे जाते हैं। देखो दोस्तों, जो भी लेक्चर नंबर 30 था, तो लेक्चर नंबर 30 में वहां पे मैंने आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 के ऊपर वहां पे आपको उन्होंने एक एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन का टेबल दिया था, जिसके अंदर वहां पे आपको एज पर मॉडर्न अप्रोच हर एक अकाउंट को कैटेगराइज करना था कि ये आइटम आपका एसेट में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, इनकम में जाएगा, कि एक्सपेंस में जाएगा, राइट। और ये पांचों बेसिस के मदद से कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। और मैंने आपको वहां पे बताया था कि सब लोग एक बार घर पे ट्राई करना एक्टिविटी नंबर 3 का ये क्वेश्चन एज पर द मॉडर्न अप्रोच, ठीक है ना। तो आई होप आपने वो ट्राई किया होगा, मुझे कमेंट में बता आपने ट्राई किया कि नहीं किया। होमवर्क करते जाओ, नहीं तो यहां से ऑनलाइन फटके दूंगा, ठीक है। हाँ, अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या करने मालूम है क्या, यहाँ पे हमको मॉडर्न अप्रोच के रूल्स अप्लाई करके कौन से अकाउंट को डेबिट होगा और कौन से अकाउंट को क्रेडिट होगा, ये हमको यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा है, उन्होंने ट्रांजेक्शन दिया है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, राजेश कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹80,000, राइट। तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या है दोस्तों, अभी देखो यहाँ पे एस्पेक्ट में नहीं लिखा तो चलेगा ना, यहाँ पे मैं आपको ओरली बोलता हूं, आप लिख लो, ठीक है, अभी ध्यान दो। तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या आएगा दोस्तों, बोल दीजिए राजेश कमेंस बिजनेस, राइट। मतलब यहाँ पे पहला एस्पेक्ट आएगा दोस्तों मेरा, कैश कम्स इन टू द बिजनेस, क्या आएगा बोलो, या कैश कम्स इन, क्या आएगा बोलो, पहला एस्पेक्ट कैश कम्स इन, और यहाँ पे कौन पैसा दे रहा है आपको, राजेश, राइट। तो यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट आएगा बेटा, राजेश इज गिवर, चलो यार लिख देता हूं, जाने दो, वापस आपको दिक्कत आएगा नहीं तो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पहला एस्पेक्ट मैं क्या लिखूंगा बोलो जल्दी से, फटाफट लिख रहा हूं, लेकिन मैं अभी पहला एस्पेक्ट यहाँ पे आएगा कैश कम्स इन, पहला आएगा कैश कम्स इन, और दूसरा क्या आएगा बोलो यहाँ पे, राजेश इज गिवर, दूसरा क्या आएगा बोलो, राजेश इज गिवर, राइट। अभी इसके अंदर के मुझे अकाउंट ढूंढना है, तो पहला अकाउंट क्या आएगा बोलो, कैश अकाउंट, पहला अकाउंट क्या आएगा बोलो, कैश अकाउंट, राइट। और जब भी कोई भी ओनर मालिक प्रोपरेटर हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, क्या बोलते हैं बोलो, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, बराबर है क्या, नहीं। अभी कैटेगरी करो, तो कैश ये क्या है बोला आपका, एसेट है, तो कैश जाएगा एसेट अकाउंट में, और कैपिटल क्या जाएगा बोलो, लाइबिलिटी, नहीं लाइबिलिटी ट्रेडिशनल था चिंटे लोगों, अभी अपन यहाँ पे मॉडर्न से कर रहे, तो यहाँ पे मेरा आएगा दोस्तों कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मेरा क्या आएगा बोलो, कैपिटल अकाउंट आएगा, बराबर है क्या, नहीं। अभी रूल्स बोलो, मुझे जल्दी से बोलो कि जब भी हमारे एसेट इंक्रीज होते, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगा रे बेटा, यहाँ पे मैं करूंगा इंक्रीज इन एसेट, कौन सा करूंगा बोले, यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट। और जब भी मेरे एसेट इंक्रीज होते तो मैं क्या करता हूं, जो भी आइटम की वजह से मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको मैं डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है, मतलब मेरे एसेट्स यहाँ पे कैश की वजह से बढ़ रहे, इसलिए मैं यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा, राइट। और जब भी मेरे बिजनेस में कैपिटल के लिए पैसा आता है तो यहाँ पे मेरा कैपिटल भी बढ़ जाएगा, समझा क्या। और कैपिटल जब भी मेरा इंक्रीज होता है तो कैपिटल को हम क्या करते बोलो, क्रेडिट करते, ठीक है ना। एक बात हमेशा वापस बोल रहा हूं, याद रखना, एसेट एक्सपेंस और लॉसेस ये तीनों को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, अगर ये तीनों अगर इंक्रीज हुए ना तो डेबिट बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए डेबिट करने का, ठीक है। और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और गेन ये चारों को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, अगर ये चार बढ़े ना तो क्रेडिट करने का, समझा क्या। आई होप अभी तो भी आपको समझा होगा, ठीक है ना। चलो अभी आगे, यहां पर उन्होंने दिया पेड टेलीफोन बिल ₹5,000, राइट। तो यहां पे पहला क्या है, टेलीफोन बिल ये क्या है बोला आपका, एक्सपेंस है ना। और दूसरा क्या होगा बोलो, कैश गोज आउट, दूसरा क्या होगा बोलो, कैश गोज आउट। अभी यहाँ पे दो अकाउंट मुझे करना है, पहला मैं यहाँ पे क्या करूंगा बोलो, टेलीफोन बिल अकाउंट, पहला कौन सा करूंगा बोलो, टेलीफोन बिल अकाउंट, और दूसरा मेरा कौन सा आएगा बोलो, यहाँ पे
कैश अकाउंट, बराबर है क्या? अभी मुझे सब लोग बोलो टेलीफोन बिल की वजह से क्या हो रहा है आपका एक्सपेंस, तो यहाँ पे मेरा आएगा एक्सपेंस अकाउंट, टेलीफोन बिल मेरा क्या आएगा बोलो एक्सपेंस अकाउंट, और कैश है मेरा क्या है दोस्तों एसेट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एसेट अकाउंट, कैश क्या है बोलो ना मेरा एसेट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एसेट अकाउंट, बराबर है क्या? अभी मुझे जल्दी से बोलो कि यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है टेलीफोन बिल की वजह से बढ़ रहा है, बराबर है ना? आप टेलीफोन बिल पे करोगे मतलब आपका खर्चा बढ़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा इंक्रीज इन एक्सपेंस, क्या आएगा बोलो ना इंक्रीज इन एक्सपेंस, राइट? और जब भी आप कैश दे रहे हो मतलब कैश आपका एसेट है, तो जब भी आप कैश पे करोगे मतलब आपका एसेट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आएगा बेटा डिक्रीज इन एसेट, क्या आएगा बोलो डिक्रीज इन एसेट आएगा, समझा? अभी रूल याद करो यार, थोड़ा अभी आपको आना चाहिए यार, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, तो क्या करने का बोले यहाँ पे जल्दी से, यहाँ पे डेबिट करने का, तो किसको डेबिट करूंगा मैं बोले जल्दी से, जो रीजन की वजह से यहाँ पे मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंस कौन से रीजन की वजह से बढ़ रहा है, टेलीफोन बिल, राइट? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, किसको डेबिट करूंगा बोलो टेलीफोन बिल को डेबिट करूंगा, और यहाँ पे मैं कैश को क्रेडिट करूंगा, किसको क्रेडिट करूंगा बोलो कैश को क्रेडिट करूंगा, समझ रहे हो क्या दोस्तों? बहुत आसान है मेरे यारों, बहुत आसान है, ठीक है? चलो अभी अगला आप ट्राई करो, गुड्स परचेस फॉर कैश, एकदम आसान है। पहला एस्पेक्ट, परचेस इज एन एक्सपेंस, जब भी आप गुड्स ले रहे हो तो परचेस की वजह से आपका क्या होगा बोलो एक्सपेंस होगा, राइट? और दूसरा क्या होगा बोलो, यहाँ पे आप कैश दे रहे हो ना, तो क्या होगा बोलो कैश गोज आउट, दूसरा क्या होगा बोलो कैश गोज आउट, आप परचेस कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है, और आप कैश दे रहे हो तो कैश आपका खर्च है, ठीक है? अभी क्या होगा ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे पहला अकाउंट कौन सा आएगा, फिर आपका परचेस अकाउंट आएगा, और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा बोले यहाँ पे आपका कैश अकाउंट आएगा, परचेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, बराबर है क्या? परचेस की वजह से क्या हो रहा है बोलो एक्सपेंस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या एक्सपेंस अकाउंट, परचेस मतलब क्या एक्सपेंस में जाएगा, अरे समझ रहे हो क्या? पांच इसमें करना है, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस, तो परचेस आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट, और कैश आपका एसेट है तो एसेट अकाउंट, समझा क्या? अभी परचेस की वजह से मेरा क्या हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीज इन एक्सपेंस, है ना? और जब भी मेरा कैश जा रहा है मतलब कैश की वजह से मेरा एसेट कम हुआ, तो यहाँ पे जाएगा डिक्रीज इन एसेट, क्या जाएगा बोलो डिक्रीज इन एसेट, राइट? अभी रूल बोलिए जल्दी से, इंक्रीज इन एक्सपेंस अगर हुआ, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस, तो एक्सपेंस बढ़ा डेबिट बैलेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या करने का बोलो परचेस अकाउंट को डेबिट करने का, समझा? जो भी आइटम की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उसको डेबिट करो, समझा? और अगर मेरा एसेट अगर कम हो रहा है, तो एसेट कौन से नाम के वजह से कम हो रहा है बोलो, कौन किस चीज की वजह से कम हो रहा है, कैश की वजह से, तो कैश अकाउंट को क्या कर दो बोलो क्रेडिट कर दो, समझ रहे हो क्या दोस्तों? बोलो जल्दी से, चलो मुझे फटाफट बोलो, चलो ठीक है, तीनों ट्रांजेक्शन क्लियर है ना अभी तक मैंने आपको जो भी सिखाया, आई होप आपको हर एक ट्रांजेक्शन क्लियर होगा, ठीक है? चलो अभी देखो आगे यहाँ पे क्या लिखा है उसने, सोल्ड गुड्स टू मनोज रुपीज 6000, ठीक है? मतलब आपने मनोज को 6000 रुपीज के गुड्स को सेल किया, है ना? तो यहाँ पे पहला क्या आएगा दोस्तों, सेल्स इज एन इनकम, पहला क्या आएगा बोलो सेल्स इज एन इनकम, बराबर है कहने, राइट? और मुझे एक बात बोलो ना, यहाँ पे आपने ऐसा दिया है क्या कि आपने मनोज को कैश लेके सेल किया, ऐसा ही नहीं दिया है, समझा? मतलब यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों मनोज इज रिसीवर, क्या आ जाएगा बोलो मनोज इज रिसीवर आएगा, समझ रहे हो क्या? अभी ध्यान दो, तो मुझे एक बात बोलो, पहला अकाउंट क्या आएगा यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो मनोज अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्या आएगा बोलो मनोज अकाउंट। अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी आप मनोज को उधारी पे गुड सेल कर रहे हो, राइट, तो क्या आप मनोज के पास से फ्यूचर में पैसा लोगे क्या नहीं लोगे? ऑब्वियसली लोगे। मतलब ये केस में मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखा, याद आ रहा है, द पर्सन फ्रॉम हुम द अमाउंट इज रिसीवेबल इज माई डेटर, अरे याद आ रहा है कुछ, है ना? तो ये केस में दोस्तों जो भी अपना मनोज है ना, मनोज अपना बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे डेटर, और डेटर मतलब यहाँ पे अपना क्या होता है बोलो एसेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एसेट अकाउंट, समझ रहे हो? वापस बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच में वो पर्सनल अकाउंट था, यहाँ पे एसेट आएगा, समझा? और सेल्स जो भी है ना बेटा आपका इनकम आएगा, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है रे, मनोज के पास से मुझे पैसा लेना है, मतलब मनोज ये मेरा मनोज की वजह से मेरे यहाँ पे एसेट्स क्या हो रहे बोलो इंक्रीज हो रहे, राइट? तो यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीज इन एसेट, समझा? और सेल की वजह से मेरा यहाँ पे इनकम भी बढ़ रहा है, तो क्या आएगा बोलो इंक्रीज इन इनकम, समझ रहे हो? अभी ध्यान दो,
देखो दोस्तों, जब भी आपका इंक्रीज इन एसेट होता है, एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस, अभी इंक्रीज हो रहा है मतलब डेबिट बैलेंस बढ़ेगा, तो जो भी रीजन की वजह से यहाँ पे आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं वो रीजन को आप डेबिट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट किसको करोगे, आप मनोज को करोगे, और जो भी रीजन की वजह से आपका इनकम बढ़ रहा है तो इनकम को क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट और बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। किसको क्रेडिट करूंगा बोलो, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। अभी आगे पांचवा, परचेस मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। अभी देखो यारो, आपने क्या किया, मशीनरी लिया, तो यहाँ पे आएगा मशीनरी कम सीन, पहला क्या आएगा बोले, यहाँ पे मशीनरी कम सीन, और यहाँ पे आपने कैश दिया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, सुरेश इज गिवर, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, सुरेश इज गिवर आएगा, ठीक है। दो अकाउंट ढूंढो, पहला कौन सा आएगा बोलो, मेरा मशीनरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा बोलो, मेरे यहाँ पे सुरेश अकाउंट। पहला आया मशीनरी अकाउंट, दूसरा आया सुरेश अकाउंट, बराबर है क्या। अभी मुझे एक बात बोलो, मशीनरी मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देता है, मतलब यहाँ पे मशीनरी मेरा क्या है बोलो, एसेट है, समझा। और सुरेश, अभी ध्यान दो, यहाँ पे हमने जो भी मशीनरी लिया है वो हमने सुरेश के पास से उधारी पे लिया है, मतलब मुझे सुरेश को फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल इज माई क्रेडिटर, और क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, और ये केस में मैंने सूरज के पास से उधारी पे लिया, मतलब मुझे सूरज को पैसा देना है, मतलब सूरज मेरा क्रेडिटर है, मतलब यहाँ पे सूरज मेरा लाइबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आएगा दोस्तों लाइबिलिटी अकाउंट। मजा आता है कह रहे आपको मैं पढ़ा तो सच में बोलना दोस्तों, बहुत दिल से पढ़ रहे वहां। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इंक्रीज इन एसेट हो जाएगा, मशीनरी आई मतलब हमारे एसेट क्या हो गए बोलो ना, बढ़ गए, है ना। और दूसरा क्या होगा बोलो, मेरे को सूरज को पैसा देना बढ़ गया, तो यहाँ पे इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो जाएगा। एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस, जो रीजन की वजह से एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करो, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को डेबिट करूंगा, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस, जो रीजन की वजह से लाइबिलिटी बढ़ रही है उसको क्रेडिट कर दो, तो यहाँ पे क्रेडिट करूंगा दोस्तों सुरेश अकाउंट को। अरे चिंटे लोगो, ये आपने ट्राई किया कि नहीं किया, कितना आ रहा है आपको बताओ, नहीं तो पता चले आप सब लोग सिर्फ देख रहे हो, ऐसे मजे ले रहे हो ना सर की, वैसा नहीं है, ठीक है। आप सब लोग को घर पे एक बार करना था, आई होप ने किया होगा और आपका हर एक चीज बराबर आया होगा, ठीक है। चलो अभी आगे, रिसीव्ड रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, रेंट मिला रे, पैसा आया पैसा, तो पहला क्या आएगा बोलो, कैश कम सीन, पहला क्या आएगा बोलो, कैश कम सीन, और यहाँ पे दूसरा क्या आएगा बोलो, रेंट इज एन इनकम, दूसरा क्या आएगा बोलो ना, रेंट इज एन इनकम, अरे यस और नो बोलो। अभी देखो ध्यान देना, अभी आपके बिजनेस में कैश आ रहा है बराबर है क्या, तो यहाँ पे पहला अकाउंट कौन सा आएगा बोलो, कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा बोले, यहाँ पे रेंट अकाउंट, बराबर है क्या। कैश आपका एसेट है तो कैश जाएगा आपके एसेट में, और रेंट आपका इनकम है तो रेंट जाएगा इनकम में, अरे समझ रहे हो क्या बोलो। अभी जब भी आपके पास कैश आएगा तो यहाँ पे आपका एसेट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीज इन एसेट, और जब भी आपको रेंट की वजह से इनकम मिला तो आपका इनकम बढ़ गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, समझ रहे हो क्या। हाँ, अभी कौन से रीजन की वजह से एसेट बढ़ा वो रीजन को डेबिट कर दो, तो यहाँ पे कैश की वजह से बढ़ा तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, और कौन से रीजन की वजह से इनकम बढ़ा, इनकम को हमेशा क्रेडिट बैलेंस, अगर इनकम बढ़ा तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, कौन से रीजन की वजह से बढ़ा, यहाँ पे हमारा बढ़ा रेंट की वजह से, तो यहाँ पे मैं रेंट अकाउंट को दोस्तों क्रेडिट कर दूंगा, समझा क्या बोलो, कितना मस्त था क्या नहीं एग्जाम्पल, ठीक है। तो गाइस, आप सभी लोगों को एक्टिविटी 3 का ये पूरा समझा कर एकदम टकाटक, है ना, बहुत आसान है, सिर्फ एक बार आप ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, आई होप जो भी मैं आपको पढ़ रहा हूं आपको बहुत मजा आता होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सभी फ्रेंड को धनाधन शेयर करना, आपके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हर एक पे धनाधन शेयर करो, ठीक है। और कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगा, ठीक है। और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करो, सारंग गुजराती कॉमर्स अकेडमी का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके डाउन लोड करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसको वहां पे आप कनेक्ट करो, तो आपको हर एक चीजें अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा। चलो तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।